यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहां की पावन भूमि वनों समुद्रों रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार आदाब गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत शो भारत दर्शन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड पर। दोस्तों इस शो पर हम आपको ले चलते हैं अतुल्य भारत के कुछ ऐसे अनदेखे अछूते फॉरगॉटन पर्यटन स्थलों पर जो अपने वैभवशाली इतिहास व बहुमूल्य विरासत के बावजूद भी आज तक अनदेखे व अनएक्सप्लोर्ड हैं। दोस्तों ऐसा ही एक स्थान है श्रवणबेलगोला। यूं तो अपने गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा के लिए यह स्थान विश्व प्रसिद्ध है। किंतु इसी के आसपास कुछ ऐसे इलाके व अति प्राचीन मंदिर आज भी हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, मगर इन्हीं मंदिरों व स्थलों पर पाए जाते हैं सहस्त्रों वर्ष पूर्व मूर्तिकारों द्वारा किए गए अति सूक्ष्म व जटिल कार्य के कुछ ऐसे नायाब व अनूठे स्पेसिमेंस जो पूरे विश्व में अद्वितीय हैं। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं 1026 एडी से लेकर 1343 एडी यानी आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व के दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक में। तो आप तैयार हैं ना इस अनूठी यात्रा के लिए? हम चल पड़े हैं अपने गंतव्य भंडार बस्ती की ओर। दोस्तों यह रास्ते भारत के सबसे सुंदर रास्तों में से एक हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। मित्रों जरा सड़क पर गौर कीजिए, सामने यह कितनी घुमावदार है। अक्सर इतनी घुमावदार सड़कें पहाड़ी रास्तों पर ही दिखाई देती हैं। यहाँ प्लेन्स पर इनका आनंद ले पाना दुर्लभ है। तो लीजिए हम प्रवेश कर रहे हैं श्रवणबेलगोला में। सामने है विंध्यगिरी पर्वत जिस पर गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है, परंतु ध्यान रहे हमें नीचे भंडार बस्ती की ओर बढ़ना है। मित्रों 1026 एडी से लेकर 1343 एडी के बीच इन इलाकों पर राज था होयसाल साम्राज्य अर्थात होयसाल डायनेस्टी का। होयसाल साम्राज्य को आज भी उसकी बेहतरीन कला स्थापत्य व अद्भुत मूर्तिकला के लिए याद किया जाता है। स्कॉलर्स होयसाल टेंपल आर्किटेक्चर को सभी स्थापत्य शैलियों से भिन्न व अनूठी विशेषताओं से युक्त मानते हैं। होयसाल आर्ट की सबसे प्रमुख विशेषता है पत्थरों पर की गई अति बारीक कारीगरी। होयसाल राजाओं के मूर्तिकार एक एक एक्सक्विसिट डिटेल को पत्थरों पर बड़ी इंट्रिकेटली गढ़ते थे। तो चलिए प्रस्थान करते हैं भंडार बस्ती की ओर, जहां हम होयसाल कला को करीब से देखेंगे। इस सुंदर मंदिर का निर्माण होयसाल वंश के राजा नरसिंह के प्रमुख खजांची अर्थात ट्रेजरर हुल्लैया ने 1159 एडी अर्थात आज से लगभग 850 वर्ष पूर्व करवाया था। दोस्तों ऊपर शिखर या विमान की निर्माण शैली टिपिकल होयसल आर्किटेक्चरल स्टाइल की है। इस भव्य ऊंचे मंदिर को अपने कंधों पर उठा रखा है मजबूत ऊंचे खंभों अर्थात पिलर्स ने, जिनका डिजाइन बिल्कुल सिंपल परंतु बहुत ही एलिगेंट है। मंदिर की एंट्रेंस के बाद स्थित मंडप को सरस्वती मंडप कहा जाता है, जिसका निर्माण रेनोवेशन के समय बाद में चंगल्व आमात्य देवप्पा ने विजयनगर शैली में करवाया। साथियों सरस्वती मंडप में प्रवचन होते हैं। चतुर्विंशति मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाले इस मंदिर को राजा नरसिंह ने भव्य चूड़ामणि की उपाधि दी थी। भंडारी हुलमैया को, जिन्हें सम्यक्त चूड़ामणि की उपाधि दी गई थी, के नाम पर ही आगे चलकर कालांतर में इस मंदिर का नाम भंडार बस्ती पड़ा। दोस्तों रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर वाले इस मंदिर के गर्भगृह में 12 खंबे हैं। यहाँ का वातावरण काफी शांत है व अपने आप में एक भव्यता समेटे हुए है।
नवरंग के द्वार के ऊपर लिंटेल पर स्थित मूर्ति कला को होयसल शैली में संपूर्ण विश्व में अति उत्तम माना गया है। मंदिर के ऊपर हम वही खूबसूरत पैनल देख रहे हैं जिसमें देवराज इंद्र को नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। नृत्य भंगी इंद्रदेव की मूर्ति को देख यही प्रतीत होता है कि यह अभी सजीव हो उठेगी। वाकई दोस्तों, मूर्तिकार ने इसकी प्रत्येक एक्सक्विसिट डिटेल को इतनी जीवंतता से पत्थर पर तराशा है कि होयसाल आर्ट की प्रशंसा के लिए तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। गौर करिए किस प्रकार इंद्रदेव की उंगली में पहनी हुई अंगूठी, कंठ में पहने हुए हार व शीर्ष पर मुकुट सभी अपनी अपनी भव्यता का बखान स्वयं ही कर रहे हैं। थोड़ा और समीप से देखें तो इंद्रदेव के एक हाथ में धनुष व दूसरे हाथ में तलवार है। नृत्य करते हुए देवराज इंद्र के मुख पर भाव भंगिमाओं को मूर्तिकार ने मानो जीवित ही कर दिया है। आप देख रहे हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट व अन्य वाद्य यंत्रों को बजाकर जश्न मनाते हुए लोग। इस पैनल में दोनों ओर हम देख रहे हैं सिंहमुख। मित्रों, सिंहमुख होयसल स्थापत्य में विशेष महत्व रखते हैं। इन्हें अक्सर मंदिरों में इंट्रिकेटली स्कल्प्टर्ड मोटिव्स की तरह प्रयोग में लाया जाता है। सिंह मुखों को अक्सर मॉन्स्ट्रस लुक दिया जाता है जो यह दर्शाता है कि गर्भगृह अर्थात सैंक्टम सैंक्टोरम में प्रवेश करने से पूर्व हमारे अंदर की सारी बुराइयों को ये अपने अंदर समाहित कर लें। पैनल में नीचे जैन मुनि को ध्यान में लीन दर्शाया गया है। यह पैनल वास्तव में एक मकर तोरण अर्थात क्रोकोडाइल गेटवे डेकोरेशन है। पैनल में आर्च के दोनों ओर दो मकरों को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। इस पैनल में नृत्य मुद्रा में इंद्रदेव की मूर्ति को संपूर्ण विश्व में होयसाल आर्ट का उत्कृष्टतम नमूना माना जाता है। इसी कारण यह मंदिर बेहद अनूठा है। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि इस तरह की प्राचीन कलाएं आज प्रायः लुप्त होती जा रही हैं। इन अद्वितीय कलाओं के नाम भारत दर्शन का संदेश। दोस्तों, इन कलाओं के संरक्षण के लिए हम सभी को एकजुट हो ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देना होगा जिससे वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो तथा हमारी विरासत को यूं ही जीवित रख सकें। अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने पर हम एक ट्रेडिशनल रंगोली को बनते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, रंगोली भारत की बहुत ही प्राचीन लोक कला है जिसे मंदिरों में देवी देवताओं का स्वागत करने हेतु बनाया जाता है। रंगोली के यह सुंदर रंग हमें होयसल साम्राज्य के वैभवशाली इतिहास का स्मरण करा रहे हैं जब कला व स्थापत्य अपनी चरम सीमा पर थे। भंडार बस्ती की दूसरी अद्भुत विशेषता है यहाँ के गर्भगृह में स्थित जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्राचीन प्रतिमाएं। ये प्रतिमाएं कला, धर्म और मूर्ति लक्षणों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ही कतार में खड़ी इन मूर्तियों को देखकर मस्तक स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाता है। यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव जी से लेकर 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी तक सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां शोभायमान हैं, जो मन को श्रद्धा से ओतप्रोत कर देती हैं। प्रत्येक तीर्थंकर की मूर्ति के ऊपर हम मकर तोरण देख सकते हैं, साथ ही छत्र व ऊपर कीर्तिमुख भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। मित्रों, इससे पहले इंद्रदेव के पैनल पर हमने देखा था सिंहमुख को और यहाँ तीर्थंकरों की प्रतिमा पर हम देख रहे हैं कीर्तिमुख को। मित्रों, कीर्तिमुख भी सिंहमुख की तरह ही एक अलंकार अर्थात एम्बेलिशमेंट है। इन मूर्तियों की ऊंचाई है 8.5 फीट बाय 3 फीट की। नीचे हर तीर्थंकर के दोनों ओर उनकी गार्जियन डिटीज यक्ष व यक्षी को भी चित्रित किया गया है।
प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन यहाँ बड़ी धूमधाम से रथोत्सव अर्थात कार फेस्टिवल मनाया जाता है। पत्थरों पर की गई मूर्तिकला अत्यंत बारीक, सोफेस्टिकेटेड व जटिल है, जो यहाँ मिले एक शिलालेख में इस मंदिर को दी गई उपाधि गोमटपुर का भूषण को साकार कर देती है। तो साथियों, आज हम गए थे होयसाल साम्राज्य के उस काल में जब पत्थरों पर बेहद बारीक व नायाब मूर्तिकला तथा अद्भुत क्राफ्टेड स्कल्पचर्स का कार्य किया जाता था। यह स्कल्पचर्स भंडारा बस्ती को बहुत ही आओ इंस्पायरिंग बनाते हैं। तो उन मूर्तिकारों का नमन करते हुए वापस लौट आते हैं अपने वर्तमान में और विराम देते हैं आज की इस अनूठी यात्रा को। अगले सप्ताह हम आपको ले चलेंगे श्रवणबेलगोला के विंध्यगिरी पर्वत पर स्थित कुछ अन्य अनएक्सप्लोर्ड स्थलों पर। आप अपने सुझाव हमें स्क्रीन पर दिए हुए पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है 4/12 मालवीय नगर, जयपुर 17। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@sukhnidheh.com। मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग आपसे विदा लेता हूँ अगले सप्ताह इसी यात्रा को आगे ले जाने के वायदे के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे साथ भारत दर्शन करते रहिए इस रोमांचक शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड।